सुन परवेज मुशर्रफ की गोद में पलने वाले इमरान खान आज 12 अक्टूबर को ऐलान है, तुझे घर भेज कर आराम करेंगे, तू जाएगा तू जाएगा तू जाएगा इंशाल्लाह। कल रात को पिंडी के शैतान ने कहा कि अगले 3 से 4 माह में कुछ भी हो सकता है। मैं पहले तो इस मुल्क के रियासी इदारों और जुडिशरी से कहूंगा कि वो इस चीज का नोटिस लें, कि वो इस चीज का नोटिस लें कि शेख रशीद के पास कौन सा ऐसा गायब का इल्म है कि वो मीडिया में बैठ के कहता है कि अगले 4 माह में इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। दहशतगर्द हमले हो सकते हैं, बदअमनी फैल सकती है। क्या हमारे रियासी इदारे उससे ये पूछना गवारा करेंगे? इस न्याजी ने जो लोगों को बेवकूफ बनाया उसकी असल हकीकत सामने आए। 100 दिन का टाइम दिया, मुल्क को बर्बादी की तरफ लेता गया। हमने इंतजार किया, हमने 100 दिन के बाद 6 महीने टाइम दिया, 1 साल टाइम दिया, 1.5 साल टाइम दिया। 2 साल के बाद मीडिया हमारे मुंह में ऐसे हाथ देता था कि अपोजिशन अवाम के हकूक की बात क्यों नहीं करती। मेरे भाइयों, आज वो वक्त आन पहुंचा है कि हमने बल्कि इस तमाम ने 2.25 साल का टाइम इमरान खान को दिया है, जो कि ना आयल ना लायक और किराए के मशीनों के ऊपर मुश्तमिल है, ये कुछ डिलीवर नहीं कर सके। मेरे भाइयों, आज गरीब गरीब से तार हो रहा है, आज गरीब खुदकशियां करने पर मजबूर है। आज चीनी आटे दाल का भाव पता करें तो पता चल जाता है, आज बिजली और गैस की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। मेरे भाइयों, अब उठना है, नवाज शरीफ का साथ देना है, नवाज शरीफ के बयानिए का साथ देना है, और इंशाल्लाह 16 अक्टूबर को आपने गुजरांवाले के जलसे में भी जाकर अपने कायद से मोहब्बत का इजहार करना है। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया, वर्ड को इज्जत दो, गली गली मोहल्ला मोहल्ला गांव गांव करिया करिया शहर शहर पहुंच चुका है और इनके जलसे जुलूस बंद हो चुके हैं। मेरे भाई, फौजी होने के नाते इस बात की भी गवाही दूंगा कि मियां साहब ने उस दिन 3 दफा फौज के लोगों को सलूट करके साबित कर दिया कि वो फौज के हक में हैं और फौज के साथ हैं। ये एक टोला जो हमेशा पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है, मियां साहब ने उसके खिलाफ बात की, उन्होंने अदारों के खिलाफ बात नहीं की। ये बात हमें भी समझ लेनी चाहिए कि हम फौजी इदारे के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ हैं तो ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जैसे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को लाया गया है और जिस तरह मुस्लिम लीग के लोगों को हराया गया है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। मियां नवाज शरीफ के शेरों, इस मुश्किल टाइम पे आप आवाज उठाओगे, आप पार्टी की ताकत हो, आप पार्टी की आवाज हो और हाथ उठा के जवाब दो, मियां तेरे जान निसार, मियां तेरे जान निसार, हाथ उठा के जवाब दो कि इस मुश्किल टाइम पे मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हो, हाथ उठा के जवाब दो, खड़े हो मरियम नवाज साहिबा के साथ, खड़े हो हमजा शबाज के साथ, खड़े हो मियां शबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो, तो इंशाल्लाह ये जंग हमें कोई नहीं हरा सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शबाज शरीफ, अल्लाह हम सब का हम यू नासर हो। बहुत शुक्रिया।